Guys, my name is Karan Nudwania. My channel name is Travel with Karan. Me and my friends have decided to go Jawar Palace and Dabosa Waterfall today. I hope you like the video. Please like, share and subscribe to my channel. Good morning guys. बज रहे सुबह के 6:45 और हम निकले हैं आज जवर पैलेस जाने के लिए और साथ ही साथ ट्राई करेंगे डाबोसा वाटरफॉल जाने का जो है 17 किलोमीटर जवर पैलेस से। अगर बात करें जवर पैलेस की वो है अराउंड 166 किलोमीटर्स फ्रॉम मुंबई और नासिक से अगर आप आते हो तो आपको 80 किलोमीटर्स पड़ता है। तो चलो चलते हैं। कहाँ मिसिंग हो जाते हो मेरे भाई? और हमारे राइडर ने हेलमेट नहीं पहना आज। आतिश बाजी भाई यार तुमने। चलिए ये भी ठीक है। चलो टी ब्रेक तो हो गया, अभी जाते हैं फिर से राइट पे। जवर पैलेस जो है बना है पहाड़ के ऊपर। अगर मैं एल्टीट्यूड की बात करूं विच इज़ अराउंड 1467 फीट्स अबव द सी लेवल। अगर व्यू की बात करूं तो आप देख ही रहे हो रोड सुंदर है, ज़्यादा ही कुछ सुंदर है। हम एंटर कर चुके हैं जवर पैलेस रोड पे। मेरे हिसाब से कुछ 1 किलोमीटर का रोड है। अगर आप बाइक पे आ रहे हैं और ऑफ रोडिंग के शौकीन हैं तो प्लीज़ अंदर बाइक लेके आइए। अगर आप कार से आए हो तो मैं बताना चाहूँगा कि गाड़ी तो अंदर आएगी नहीं, तो आपको बाहर ही पार्क करनी पड़ेगी। चलो डेस्टिनेशन पे तो पहुँच गए, ये हमारी बाइक्स। चलो एंटर करते हैं। और ये है राणा जी जो कि कोशिश कर रहे हैं हमें गाइड करने की। अरे राणा जी पहले हेलमेट तो निकालिए। फाइनली आप देख सकते हो जय विलास पैलेस और जवर पैलेस। अगर हिस्ट्री की बात करूं मैं तो वो बना था 1941 में बाय महाराजा यशवंत राव जी मार्टन राव जी मुकने ने। हमें तो लगता नहीं हमें अंदर जाने मिलेगा, जैसे कि पैलेस के सिक्योरिटी गार्ड ने हमें कहा था कि रेनोवेशन का काम चालू है सो अंदर जाने आपको नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, ये भी सह लेंगे। चलो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है। ये है बैक साइड ऑफ द पैलेस, ये रहा पैलेस और ये रहा वैली जो कि सामने है आपके। चलिए व्यू को और पास से देखने की कोशिश करते हैं। मैं तो सजेस्ट करूँगा आप अर्ली मॉर्निंग ही आ जाइए क्योंकि अभी 12 बजे की धूप तो इतनी तेज़ है, क्या बताऊँ मैं आपको। हाय गर्मी नौरा की याद दिला दी। ठीक है चलिए आप व्यू का आनंद लीजिए, तब तक हम थोड़ा पसीना पोंछ लेते हैं। चलो जवर पहले से तो निकल चुके हैं, अभी हम चलते हैं डाबोसा वाटरफॉल की तरफ जो कि है 17 किलोमीटर यहाँ से। तो चलो चलते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा गूगल मैप लाइट अंकल ने कहा कि लेफ्ट जाना है सीधा सीधा जाना है। तो अब जैसे कि आप देख सकते हो ये जय सागर डैम है जो आपको रास्ते में पड़ेगा। लगता है हम लेह लद्दाख पहुंच गए हैं, लग तो वही रहा है बट सैडली हम वहाँ नहीं है, वही रोड पे है। शायद शेर दाबोसा विलेज हम एंटर कर चुके हैं। चलिए सीधा सीधा चलते रहते हैं, काफ़ी लंबा रास्ता ऐसा ही है जैसे कि कुछ 5-6 किलोमीटर से हम कंटिन्यूस यही रोड पर चल रहे हैं ऐसे ही टाइप के। बज रहे हैं 3, कब पहुँचेंगे हम? चलो देखते हैं कितना दूर है यहाँ से। फाइनली डाबोसा वाटरफॉल पहुँच गए हम। द नायग्रा फॉल्स ऑफ महाराष्ट्र कहाँ जाता है इसे, इसे तो लोकल्स कहते हैं हमें,
पर यहाँ करने के लिए बहुत कुछ है। कायाकिंग, ट्रैकिंग, वैली क्रॉसिंग एंड फिशिंग भी आप कर सकते हैं। देखते हैं हमें क्या करने मिलता है यहाँ पे। नीचे उतरने के लिए आपको थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा, कुछ 100-200 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेंगी। 100-200 तो नहीं होंगी, एटलीस्ट 50 तो होंगी, देखते हैं कितनी है। लग तो ऐसा पास ही रहा है, पर अभी उतरने पे मालूम पड़ेगा कितना है। ऊपर से अगर हेलमेट, राइडिंग गेयर और बैग कैरी कर रहे हो तो आपके लिए थोड़ा तकलीफ़ होने वाली है। ऊपर से ये 3 बजे की धूप हमें तो काफ़ी परेशान कर रही है। देखते हैं हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। लगता तो है मेरा आगे वाला भाई थक चुका है, देखते हैं कहाँ तक वो पहुँचता है। मैं भी बहुत थक चुका हूँ, देखते हैं रुकना पड़ेगा लगता है। सो स्टेप्स एंड हो यह, इसके बाद आपको ट्रैक करते हुए जाना है। एक हमारे भाई बैठ गए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। जैसे कि ये मेरी पहली वीडियो है, अगर आपको मेरी बातें पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। वीडियो का बेस्ट पार्ट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।